नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर के जनता दल नेता और वार्ड नंबर 32 के पार्षद नवाज खान पहुंचे जनता दल इसके समावेश में। दुर्घटना पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं देने पर कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की बस जब्त की। जनता दल इस पर जीवी नहीं, राष्ट्रीय दल हमारे बिना नहीं रह सकते, HD कुमारस्वामी। रेप पार्टी केस, शाहरुख खान के बेटे समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी। भवानीपुर में ममता बनर्जी की बड़ी जीत, बीजेपी की प्रियंका को 58,000 से अधिक वोटों से हराया। दुबई एक्सपो की चकाचौंध के पीछे दर्द और चीखे, 6 मजदूरों ने गवाई जान, करीब 6 दर्जन जख्मी, रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से देखते हैं स्थानीय समाचार। राज्य की राजधानी बेंगलुरु में चल रहे जनता दल के समावेश में भाग लेने के लिए बीदर जिले से पार्टी के जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भाग लेने पहुंचे। इस दौरान बीदर शहर के वार्ड नंबर 32 के पार्षद नवाज खान और अल्पसंख्यक घटक के नबी कुरैशी सहित अन्य भी बेंगलुरु पहुंचे और इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी से मुलाकात करने का भी समय लिया। इससे पहले समाज सेवी वहाँ हमारे चैनल के प्रबंधक संचालक मोहम्मद अयास खान से मुलाकात की, जहाँ सभी का स्वागत कर सम्मान किया गया। औरा तालुका में कांग्रेस नेता डॉक्टर लक्ष्मण सुरालीकर ने हमारे संवाददाता आलम पाशा से बात करते हुए कहा कि हाल ही में हुई बारिश के कारण तालुका के किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, जिससे किसान संकट में हैं। सरकार को किसानों को तुरंत मुआवजा देना चाहिए। तालुका बीदर जिले में दिन अति हेच्चा मलिया अतिवृष्टि उंटागिदे, अनेक बड़े अनेक काल बड़े नाश आगदे, एला हल्ले सुमार 20 दिन कंटिन्यूस हल्लू बड़े नाश आगे बड़े नाश के रैतर कंगाल मत और एक्सपेक्ट वाले बंपर बड़े पूर्ति सर्वनाश आगे 90-95 भाग ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಳುಗಳು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50,000 ಪರಿಹಾರ ಧನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ತಾಲೂಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಇದು ಜಲಾವೃತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. अब समाचार राज्य के। सड़क दुर्घटना पीड़ित परिवार को 2.82 करोड़ रुपए का मुआवजा देने में विफल रहने के बाद पहली बार कर्नाटक की एक निचली अदालत ने राज्य द्वारा संचालित निगम से संबंधित एक बस को जब्त कर लिया है। अदालत ने उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम को 2013 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के परिवार को राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। पीड़ित 39 वर्षीय संजीव M पाटिल द्वारा खटखटाया गया था। राज्य परिवहन की बस जब वह बेंगलुरु पुणे हाईवे पर जल टोल गेट पर सुबह करीब 6 बजे सड़क पार कर रहे थे। परिवार इस आधार पर मुआवजे की मांग करने के लिए अदालत गया कि दुर्घटना के समय संजीव सिर्फ 39 वर्ष का था और IBM में प्रति माह 2.10 लाख रुपए कमा रहा था। परिवार ने 3.55 करोड़ रुपए के मुआवजे का दावा किया है। राज्य सरकार ने कहा कि उसका लक्ष्य कर्नाटक के 30% भौगोलिक क्षेत्र को वन क्षेत्र में लाना है। बेंगलुरु में 67वें वन्य जीव सप्ताह समारोह में भाग लेते हुए वन मंत्री उमेश कट्टी ने कहा कि राज्य में वन आच्छादन है। वर्तमान में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 20.11% वन आच्छादित है। हमारी सरकार का लक्ष्य आने वाले दिनों में बढ़ाकर 30% करना है। वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बना रहा है। कट्टी ने कहा कि राज्य मौजूदा वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। जनता दल इस परजीवी नहीं, राष्ट्रीय दल हमारे बिना नहीं रह सकते, HD कुमारस्वामी ने कहा कि जनता दल इस नहीं अन्य दलों पर निर्भर, बल्कि यह 2 राष्ट्रीय दल है जो क्षेत्रीय दल पर निर्भर है। जनता दल इस विधायक दल के नेता मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए अगले विधानसभा चुनाव में 123 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ पार्टी के महत्वाकांक्षी मिशन 123 की आलोचना का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां कई लोगों ने इसे अवास्तविक बताते हुए इसकी आलोचना की है और पार्टी
को सत्ता के लिए कांग्रेस और भाजपा पर निर्भर होने के रूप में कम करके आंका गया है। उन्होंने कहा, भाजपा और कांग्रेस ने गठबंधन की मांग करते हुए हमारे दरवाजे खटखटाए हैं। कलबुर्गी नगर निकाय चुनाव में हमने 4 सीटें जीती हैं और दोनों पार्टियां बारी बारी से हमसे संपर्क कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में भी अगले आम चुनाव तक क्षेत्रीय दलों का एक संघ मजबूत बनकर उभरेगा। रामनगर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर हांडी गुंडी जंगल के घने इलाके में 16 आदिवासी परिवार वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत जंगल में भूमि अधिकार की मांग को लेकर 200 दिनों से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्नाटका की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक इरुलिगा जनजाति से संबंधित उन्हें 1992 में जंगल से बेदखल कर दिया गया था। तब से परिवार आजीविका और आश्रय की तलाश में है। वर्तमान में उनके पास जंगल से सटे गोला डोडी गांव में सरकार द्वारा दिए गए भूखंड में अस्थायी शेड है, जिसमें कोई नागरिक सुविधाएं नहीं है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है, इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाई लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर 8555001972। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर 9945283920 8482121297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। अगले साल की शुरुआत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को विरोधी दलों से ज्यादा जनता के रुख की चिंता है। यही वजह है कि पार्टी संगठन से लेकर हर स्तर पर सत्ता विरोधी माहौल को कम करने में जुटी हुई है। कोरोना काल और किसान आंदोलन उसकी चिंता की मुख्य वजह है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें से 4 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की अपनी सरकार है, जबकि पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है। ऐसे में भाजपा के लिए अपनी सत्ता वाले 4 राज्यों को बरकरार रखना प्राथमिकता पर है।
मुंबई के तट पर समुद्र के बीचों बीच क्रूज जहाज पर रेप पार्टी के भंडाफोड़ मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़ा बयान सामने आया है। एनसीबी प्रमुख एनएन प्रधान ने इस कार्रवाई में आगे का प्लान बताया है। अधिकारियों की माने तो गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की एक टीम ने अपने क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखड़े के नेतृत्व में शनिवार शाम को गोवा जाने वाले क्रूज जहाज पर छापा मारा था, जहां टीम को पार्टी कर रहे कुछ यात्रियों के पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई थी। इस रेप पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी से खतरा टल गया है। भवानीपुर सीट से धमाकेदार जीत दर्ज करके ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में मिली हार का बदला ले लिया है। भवानीपुर के अलावा शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीटों पर भी हुए उपचुनावों के नतीजे भी टीएमसी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल धान की खरीद आज यानी 3 अक्टूबर से शुरू होगी। दोनों राज्यों ने यह जानकारी दी। राज्यों ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बारे में उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले केंद्र ने भारी बारिश की वजह से धान की खरीद को 11 अक्टूबर तक टाल दिया था। दोनों राज्यों के किसानों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। इसके बाद केंद्र ने फैसला बदल दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को कहा कि केंद्र उपभोक्ता मामलों के मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। खरीद अब आज से शुरू। यूपी के राजापुर माफी वन रेजर सलोन रायबरेली कार्यालय में वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह में लोगों में जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वन अधिकारी जेपी यादव, संजय यादव और अशोक शुक्ला आदि उपस्थित थे। दुनिया भर के दर्शकों की भीड़ को आकर्षित करने वाले दुबई एक्सपो के साइट निर्माण में कुल 6 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई और 70 कर्मी घायल हुए। यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब दुबई एक्सपो में मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार के दावे पर यूएई की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। जिन 6 मजदूरों की मौत हुई उनमें से 3 निर्माण के दौरान हुए हादसों की वजह से मारे गए और बाकी 3 ने कोरोना संक्रमण की वजह से दम तोड़ा। समाचार एजेंसी के मुताबिक यह पहली बार है जब दुबई एक्सपो ने इस मेले के आयोजन में लगे मजदूरों की मौत का आंकड़ा जारी किया हो। इससे पहले आयोजकों ने कहा था कि निर्माण के दौरान 5 मजदूरों की मौत हुई थी, लेकिन बाद में एक और बयान जारी कर पिछले आंकड़ों को भूल करार दिया गया था। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। एनसीबी कर रही शाहरुख खान के बेटे आर्यन से पूछताछ। सुनील शेट्टी बोले, असली रिपोर्ट्स को सामने आने का वक्त दीजिए। देखते हैं खेल जगत के समाचार। आईपीएल 2021 अश्विन मोर्गन विवाद पर ऑस्ट्रेलिया के गिलेस्पी ने अपने ही देश के शेन वॉर्न को जमकर लताड़ा, पढ़ाया खेल भावना का पाठ। अंत में समाचार बाजार के। रिजर्व बैंक के ब्याज दर पर निर्णय। बृहद आर्थिक आंकड़ों तथा वैश्विक रूप से इस सप्ताह शेयर बाजारों की दिशा तय होगी। विश्लेषकों ने यह राय जताते हुए कहा कि जोरदार तेजी के बाद अब बाजार में करेक्शन के संकेत दिख रहे हैं। इसके अलावा निवेशकों की निगाह रुपए के उतार चढ़ाव तथा अमेरिका में बॉन्ड प्राप्ति पर भी रहेगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के जनता दल नेता और वार्ड नंबर 32 के पार्षद नवाज खान पहुंचे जनता दल इसके समावेश में। दुर्घटना पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं देने पर कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की बस जब्त की। जनता दल इस परजीवी नहीं, राष्ट्रीय दल हमारे बिना नहीं रह सकते, एचडी कुमारस्वामी। रेप पार्टी केस, शाहरुख खान के बेटे समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी। भवानीपुर में ममता बनर्जी की बड़ी जीत, बीजेपी की प्रियंका को 58,000 से अधिक वोटों से हराया। दुबई एक्सपो की चकाचौंध के पीछे दर्द और चीखे, 6 मजदूरों ने गवाई जान, करीब 6 दर्जन जख्मी, रिपोर्ट। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।